नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर एक नए वीडियो के साथ मैं हूं जी जायसवाल। आप देख रहे हैं टारगेट इज पॉसिबल। दोस्तों यहां पे एक ऐसी जानकारी मैं आप लोगों को देने वाला हूं जिसके बारे में मैं पहले ही वीडियो बना चुका हूं, तो आप लोग देख सकते हैं। जियो स्पेशल ट्रिक, इसे कहते हैं मोदी मैजिक। तो ये मैं वीडियो बनाया था जहाँ पर मैं आप लोगों को 45.8 Mbps की स्पीड दिखाया था, उसी के ऊपर मैं यहाँ पे विस्तार से आप लोगों को जानकारी देने वाला हूँ। आखिर इस वीडियो में जो मैं दिखाया था वे ट्रिक क्या है, कैसे आप लोग भी इतने Mbps का स्पीड पा सकते हैं। दोस्तों जब ये मैं वीडियो बनाया था उसी दिन से ये वीडियो चर्चा में है। लोग यहाँ तक कह दिए थे कि ये जियो फाइबर का स्पीड है, कई लोगों ने बताया कि ये ब्रॉडबैंड का स्पीड है, कई लोगों ने अपने अपने अंदाज में बहुत सारे कमेंट भी किए, कई लोगों ने बोला कि ये ट्रिक नहीं है, ये एडिटिंग का कमाल है या फिर ये फ्रॉड है। दोस्तों ये स्पीड भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगा, इसे करने का तरीका भी बताऊंगा इस वीडियो में, और साथ ही साथ मैं उन लोगों को यहाँ पे नकार दूंगा कि जो लोगों ने कहा ये वीडियो एडिट किया गया है। यहाँ पे मैं बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप लोगों को समझाने की कोशिश करूँगा कि आखिर वे क्या था और कैसे उतना स्पीड मुझे मिला। दोस्तों अगर आप भी इच्छुक हैं तो आप लोग इस जानकारी के साथ बने रहिए कि आखिर इस वीडियो के अंदर का राज क्या है, उसकी मैं पूरा खुलासा करने वाला हूँ। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी नए यूजर से करूँगा गुजारिश, जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग अधिक से अधिक संख्या में इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और इस वीडियो को अधिक से अधिक संख्या में शेयर करें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी आप लोग जरूर दबाएँ। दोस्तों मैं आप लोगों को यहाँ पर उस ट्रिक के बारे में बताने वाला हूँ जो कि इस वीडियो में मैं आप लोगों को दिखाया था। अगर ऐसे यूजर जिन्होंने इस वीडियो को नहीं देखा है उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस वीडियो को जरूर देख लीजिए। इस वीडियो में मैं कहा था कि 1000 लाइक आएंगे तब जाके मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा, लेकिन शायद यहाँ पे 1000 लाइक नहीं आए, लेकिन लोगों के ज़्यादा रिक्वेस्ट आ गए तो मैं सोचा कि इस वीडियो का खुलासा हम लोग कर ही दें। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों जैसे कि आप लोग मेरे विंडो के स्क्रीन बार पर देख सकते हैं मैं विंडो 10 का स्क्रीन बार चला रहा हूँ। दोस्तों यहाँ पे आप लोगों के सामने एक और नया विंडो खुल गया जो कि सर्वर की आईपी एड्रेस पे खुला हुआ है, और इसकी मदद से मैं जो भी फाइल डाउनलोड करूँगा उसका जो स्पीड होगा, जो मैं उस वीडियो में दिखाया था, वही स्पीड यहाँ पे भी शो होगा। दोस्तों ये किसी भी नेटवर्क कंपनी का स्पीड नहीं है, ये गूगल क्लाउड सर्वर बेस पर विंडो 10 में इंस्टॉल किया था उसकी स्पीड थी, जो कि मैं आप लोगों को वीडियो के माध्यम से दिखाया हूं। आपको जो स्पीड मैंने दिखाया था पिछले वाले वीडियो में उतना स्पीड पूरे इंडिया में भी आपको नहीं मिलेगा, जो कि यह सच्चाई है। लेकिन ये सर्वर बेस पे स्पीड था जो कि रियल है, लेकिन हाँ इसमें क्या होगा कि सर्वर बेस में क्या होता है दोस्तों कि आप गूगल सर्वर पर अपना खुद का विंडो 10 या फिर किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल करके वहाँ पर जैसे आप अपने कंप्यूटर में वर्क करते हैं वैसे ही आप लोग वर्क कर सकते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं ये पीसी है, इस पीसी का यहाँ पे डिटेल दिया गया है जो कि गूगल क्लाउड से इंस्टॉल है। इस पीसी में आप जैसे ही माय पीसी को ओपन करेंगे तो यहाँ पे ओनली सी ड्राइव शो करेगा। उसके अलावा दोस्तों इसकी प्रॉपर्टी आप लोग चेक करेंगे तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये 4 GB रैम के साथ 32 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम है, जो कि आप लोग देख सकते हैं विंडो सर्वर 2016 पे ये चल रहा है। विंडो सर्वर 2016 की ये अपडेट है और ये सर्वर पे इंस्टॉल है। और यहाँ पे मेरा विंडो देख लीजिए, यहाँ पे मेरा माय कंप्यूटर माय पीसी देख लीजिए, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे 4 ड्राइव दिखा रहा था लेकिन वहाँ पे ओनली सी ड्राइव दिखा रहा था। तो कहीं ना कहीं आपका कन्फ्यूजन दूर हो गया होगा कि ये सर्वर पर इंस्टॉल किया गया था और सर्वर की स्पीड मैंने आप लोगों को उस वीडियो में दिखाया था। आप भी इस तरह के सर्वर बना के उस तरह के डाउनलोड स्पीड पा सकते हैं। दोस्तों इसके फ़ायदे क्या हैं पहले वे मैं बता दूँ। दोस्तों इसके फ़ायदे ये हैं कि मान लीजिए कई ऐसे एरिया होते हैं जहाँ पे नेटवर्क स्पीड नहीं आती है, और इसमें जो सबसे प्लस और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है कि आप इसमें अगर रेलवे की तत्काल टिकट बुक करेंगे तो सबसे पहले और सबसे फास्ट होगा, क्योंकि इसी सर्वर बेस का इस्तेमाल करके लोग अपने तत्काल टिकट को बहुत ही आसानी से बुक कर लेते हैं लोग। दोस्तों ये थी एक ट्रिक, इसी की मदद से मैं आप लोगों को दिखाया था डाउनलोड की स्पीड। दोस्तों अगर आप भी जानना चाहते हैं कि ये गूगल क्लाउड पे कैसे बनेगा, इसके अलावा दोस्तों ये गूगल क्लाउड के अलावा आप लोग इस सेवा का लाभ अमेज़न की सर्विस से भी ले सकते हैं, अमेज़न भी इस तरह का सर्विस देता है। दोस्तों ये आप लोग कैसे इंस्टॉल करेंगे,
इसके लिए क्या क्या आपको प्रोसेस को फॉलो करना पड़ेगा, इसके रिलेटिव पूरी जानकारी मैं आप लोगों को gadgetsupdatehindi.com की ऑफिशियल वेबसाइट में स्टेप बाय स्टेप आर्टिकल के माध्यम से बताऊंगा। आप लोग इंतज़ार करिएगा कि कैसे ये गूगल क्लाउड पे विंडो सर्वर 2016 इंस्टॉल कैसे होता है, इसकी पूरी जानकारी मैं इसी वेबसाइट के माध्यम से आप लोगों को दूंगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये जानकारी समझ में आ गई होगी, जो मैं स्पीड यहां पे दिखाया था उसका क्या मेन माजरा है, लेकिन लोगों ने यहां पे उसको पकड़ नहीं पाया, लेकिन मैं आप लोगों को यहां पे सर्वाइविंग तौर पे बता चुका हूं। दोस्तों अगर आपको भी इस तरह का क्लाउड फेयर में सर्वर इंस्टॉल करना नहीं आता हो, अगर आप चाहते हो इंस्टॉल कैसे किया जाए, तो आप लोग कमेंट के माध्यम से जवाब दीजिएगा। मैं जल्द से जल्द उसके रिलेटेड वीडियो और इस वेबसाइट पे उसका आर्टिकल स्टेप बाय स्टेप मैं आप लोगों को बता दूंगा। दोस्तों वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके बताइएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को भी अधिक से अधिक संख्या में जरूर सब्सक्राइब करें। सो थैंक्स, जय हिंद, वंदे मातरम।